दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और जो आज का विषय है दोस्तों, बड़ा ही कुछ लोगों को शायद खुशी के लिए विषय रहा होगा, कुछ के लिए दुख का है, क्योंकि जो बोर्ड है उसने, उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड ने आपकी जो 18-19 जून की जो परीक्षा हुई थी, उन परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया है। कैंसिल करने का जो मैटर है वो क्यों सामने आया है, क्या रीज़न है, किस वजह से, पूरा मामला, यानी कहाँ से कौन सी चीज़ सामने आई जिससे पेपर कैंसिल हुआ, इसके बारे में हम पूरी बात करेंगे। और कौन कौन से मुद्दे रहे जिनके कारण ये पेपर पोस्टपोन, सॉरी, रद्द ही हुआ है, तो ये पूरी बात जानते हैं और चलते हैं आगे, देखते हैं आगे का वीडियो और पूरी जानकारी लेते हैं दोस्तों कि आखिर मामला क्या। ये फॉलो कर सकते हैं इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग ऐप अनअकैडमी पर। आपको करना क्या है, आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और आपको सिर्फ सर्च करना है नित्या क्लासेस, और आप पाएंगे हमारे ढेर सारे वीडियोस डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर। तो दोस्तों, आज ही फॉरवर्ड करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को एक अच्छी लर्निंग के लिए। तो मामला जानने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि नोटिस मुझे कहाँ से मिला है, उसकी मैं बात कर लेता हूँ। देखिए, आप देख रहे होंगे, अगर आप ये शो कर पा रहे हैं, फर्स्ट नोटिस जो आया हुआ है इस पे लिखा है आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी PCS के पदों पर भर्ती 18 के अंतर्गत दिनांक 18/6/2018 था 19/6/2018 को द्वितीय पाली में आयोजित ऑफलाइन परीक्षा निरस्त किए जाने के संबंध में। और अगर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, तो मेरे सामने नोटिस आ जाता है। ये देखिए, सामने नोटिस आ गया है, लिखा है आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी PSC के पदों पर सीधी भर्ती 2018 के अंतर्गत दिनांक 18/6/2018 एवं 19/6/2018 को द्वितीय पाली में आयोजित ऑफलाइन परीक्षा निरस्त किए जाने के संबंध में अगस्त 2018। देखिए, ज्ञातव्य है कि उक्त परीक्षा में प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी PCS पदों पर भर्ती 2018 के अंतर्गत दिनांक 18 और 19/6 को प्रतिदिन दो दो पालियों में पेपर हुआ था कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में ऑफलाइन परीक्षा कराई गई थी। इस ऑफलाइन परीक्षा के संबंध में द्वितीय पाली के प्रश्न पत्रों की प्रथम पाली के कतिपय संस्थानों पर वितरित किए जाने की बात संज्ञान में आई है। यानी इसमें क्या संज्ञान में आएगा, सेकंड पाली का फर्स्ट व फर्स्ट का सेकंड में बांटा गया, ऐसा हो सकता है, जिसके फलस्वरूप उक्त परीक्षा की सुनिश्चितता, निष्पक्षता एवं पारदर्शिता को अनुरक्षण बनाए रखने जाने के दृष्टिगत बोर्ड द्वारा संज्ञान लेते हुए 18/6/2018 व 19/6/2018 को प्रदेश के समस्त परीक्षा केंद्रों पर संपन्न द्वितीय पाली की परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। 18 और 19 की परीक्षा, द्वितीय पाली की परीक्षा पुनः अति शीघ्र आयोजित कराई जाएगी। अब दोस्तों, ये तो उन्होंने नोटिस डाल दिया, लेकिन इसकी संपूर्ण खबर क्या है, यानी ये क्या रहा कि पेपर कहाँ से कहाँ बटा, इसके बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी आपको दे देता हूँ। तो जानकारी कुछ इस तरह से है फ्रेंड्स, कि आपको पूरा मामला मैं समझा देता हूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के माध्यम से पुलिस एवं PAC के 41,520 पदों पर भर्ती शुरू हुई थी, और उस जिसमें बड़ी चूक सामने आने पर क्या हुआ कि दो केंद्र पर परीक्षा के गलत प्रश्न पत्र बांटे जाने की खबर सामने आई, कि उन्होंने पहली जो पारी के पेपर जो थे, दोनों बंडल एक साथ पहुंचे थे सेंटर पे, तो उन्होंने दूसरी की पारी का बंडल पहली पारी में और पहली पारी का दूसरी पारी में बंडल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिससे परीक्षा की नई तिथि की घोषणा जल्द की जाएगी और उसको रद्द कर दिया गया। बोर्ड ने इस चूक के लिए जिम्मेदार केंद्र, जितने भी केंद्र व्यवस्थापक हैं, पुलिस प्रशिक्षक, परीक्षा कराने वाली संस्था के प्रतिनिधि एवं अन्य दोषियों विरुद्ध FIR दर्ज कराने का मामला भी सामने ले लिया है। तो नागरिक पुलिस के में पुरुष व महिला सिपाही तथा PCS में पुरुष सिपाही के पदों पर सीधी भर्ती 18 की ऑफलाइन परीक्षा प्रदेश के 807 केंद्रों पर गत 18-19 जून को आरंभ हुई थी। कुछ दिनों बाद यह सामने आने लगा कि परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, कि एक ही पत्र प्रश्न पत्र बांटा गया था। तो ये पेपर जो कराया था दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली इस पेपर को जो कराने वाली संस्था थी उसका नाम था TCS। ये TCS ने पेपर कंडक्ट कराया था, ठीक है। TCS के जवाब मांगा तो पहले TCS ने बताया कि अभी जो है OMR sheet स्कैनिंग हो रही है, उसके बाद ही हम बता पाएंगे। तो इस बीच गलत जो प्रश्न पत्र थे वो बांटे जाने की सामने जो है याचिकाएं दाखिल होने लग गई और स्कैनिंग का काम उधर चलता रहा। तो बेसिकली ये हुआ कहाँ है, मैं इसकी भी आपको बता देता हूँ कि जो परीक्षा सामने आई, TCS ने भी जब इस परीक्षा को जांचा पूरा, कहा तो देखा कि यहाँ पर तो गड़बड़ी सच में ही है, तो उस गड़बड़ी को उसने माना और ये जारी कर दिया कि हाँ, ये गड़बड़ी जो थी वो सही है। यानी ये, और जो हुआ था इसके बारे में बता देता हूँ कि ये केंद्र के गड़बड़ी जो TCS ने डिक्लेयर किया है, ये गड़बड़ी सिर्फ दो केंद्रों पर सामने आई, जिन केंद्रों का नाम है, इलाहाबाद जिले का एक केंद्र है जिसका नाम है गुरु माधव प्रसाद शुक्ला इंटर कॉलेज,
मैं 18 जून को पहली पाली में दूसरी पाली की पेटी खोलकर द्वितीय पाली में प्रथम पाली की बांट दी गई। इसी तरह से एक 19 जून को हुआ था, एक 18 को हुआ था। 19 जून को एटा में हुआ, वो था श्री PPS इंटर कॉलेज में पहली पाली में दूसरी पाली के पेपर पर बांट दिए गए। तो दोस्तों ये थी पूरा मैटर मामला, जिससे कि दो पेपर पर बांटने पर पूरी परीक्षा को गड़बड़ा दिया गया है। होप सो आगे जल्दी इसका डिक्लेरेशन आएगा। तो अगर जिनका पेपर खराब गया था और जिनका पेपर सही नहीं था, जैसा कि मानने में भी आ रहा था कि 19 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था टफ था, तो उनके लिए एक अच्छा मौका मिला है वो दोबारा से करने का। तो दोस्तों लग जाइए तैयारी में, क्योंकि पता नहीं कब डेट आ जाए और कब आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाए। तो विश यू ऑल द फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन, और हम आपको समय समय पर फिर से अपने नोट्स जारी कर देंगे, फिर से कोई वीडियो आपके लिए हम दे देंगे, और जो भी आपको हेल्प चाहिए प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए एग्जाम से रिलेटेड। और अगर वीडियो समय पसंद आया है तो प्लीज़ फॉरवर्ड करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे।